हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप 21.7 अपडेट के बाद लाभार्थियों का THR कैसे भरेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में, आइए इसके बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप 21.7 का जो अपडेट दिया गया है, जिस अपडेट में अब THR भरने का जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब नए तरीके से जो है आप लोगों को THR भरना होगा। वो तरीका क्या है, किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप में THR भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि हम बात करें कल के अपडेट के बारे में, तो जो कल का अपडेट 21.7 दिया गया था, जिसमें कि EKYC का जो ऑप्शन है उसको तो हटा दिया गया है, बट पहला अपडेट आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे दिया गया था कि फेस कैप्चर और EKYC को जो है मर्ज कर दिया गया है। मर्ज यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी का THR करने जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले फेस कैप्चर करना होगा, उसके बाद जो है EKYC करना होगा। तो ये सारा प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का THR करना है, EKYC करना है या नहीं करना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसे कि बहनों, हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में THR करने के लिए हमें डेली ट्रैकिंग को ओपन करना होगा। डेली ट्रैकिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और लाभार्थियों का जो यहाँ पे THR दिया जाता है उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे THR और HCM का जो ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 6 माह से 3 वर्ष की कैटेगरी को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख पाएंगे कि अब जो है THR का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप लोग यहाँ पे THR वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। लाभार्थी के माता पिता या अभिभावक का फ़ोटो नहीं लिया गया है तथा EKYC लंबित है। यानी कि जो है अब यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप में फोटो कैप्चर और EKYC को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि अभी हमने 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे कैटेगरी ओपन किया है, तो यहाँ पे लाभार्थी के माता या पिता या अभिभावक का जो है यहाँ पे नाम शो करेगा, तो उनका यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर होगा या उनका यहाँ पे EKYC होगा, इस प्रकार से जो ऑप्शन है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख पाएंगे, एक लिखा है आगे बढ़े, दूसरा है स्किप। जैसे कि आगे बढ़े पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक और इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे फेस कैप्चर और यहाँ पे EKYC, दो प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों को करना होगा। यहाँ पे जो है इनके गार्जियन का जो है नाम शो कर जाएगा, यहाँ पे उनका आधार नंबर शो कर जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग फेस कैप्चर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे फेस कैप्चर पे और यहाँ पे प्रक्रिया की गई वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से एक सहमति के लिए जो है पोषण ट्रैकर ऐप द्वारा आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। इन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे कि जो आप पोषण ट्रैकर ऐप में आधार अपना यहाँ पे डाल रहे हैं उसके लिए आप लोग यहाँ पे सहमत हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वीकार करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे फेस कैप्चर कैसे करना है वो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, समझाया गया है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे सीधा खड़ा रहना है। जैसे कि जो भी लाभार्थी का आप फेस कैप्चर करेंगे तो उनको एकदम सीधे खड़ा रखना है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पर आपको एक ऑडियो दिया गया है, ऑडियो क्लिप, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि लाभार्थी को कैसे खड़ा करना है, लाभार्थी को आप पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैसे यहाँ पे फोटो कैप्चर होगा, वो सारा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सुन सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, प्रक्रिया की गई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को फेस कैप्चर करने के लिए इस प्रकार से सर्कल बन के आएगा। ये जो सर्कल है वो ग्रीन हो जाएगा तभी जो है आप लोगों को फेस को कैप्चर करना होगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पे फेस कैप्चर करने के लिए ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लाभार्थी का EKYC या फोटो कैप्चर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्किप, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। स्किप वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है लाभार्थी को THR देने के लिए इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दिनों की संख्या आ जाएगा, यहाँ पर HCM की कितना दिया गया वो आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग जो भी दिनों की संख्या डालते हैं जैसे 25 दिन, 15 दिन,
संख्या यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप लोग पैकेट की जो संख्या है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे 0 पैकेट ही शो कर रहा है और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। लाभार्थी का जो मोबाइल नंबर आप लोग डाले होंगे वो यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन और दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे स्किप और यहाँ पे ओटीपी। जैसे कि अगर आप ओटीपी के साथ लाभार्थी का टीएचआर करना चाहते हैं तो लाभार्थी के नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से ओटीपी डाल के आप लोग यहाँ पे टीएचआर को कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्किप, यानी कि बिना ओटीपी के भी आप लोग जो लाभार्थी का टीएचआर है उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे ओटीपी अनुरोध करें पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओटीपी अनुरोध करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सत्यापन के लिए जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के यहाँ पर आप लोग सत्यापित करेंगे तो टीएचआर आप लोगों का कम्प्लीट हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बिना ओटीपी के भी आप लोग जो लाभार्थी का टीएचआर है उसको कर पाएंगे। तो ये प्रक्रिया है आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो नया अपडेट दिया गया है, इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे टीएचआर करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप में फेस कैप्चर के बाद जो है आप लोग फेस कैप्चर अगर कर लेते हैं तो उसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों ने अपना ईकेवाईसी किया होगा कि ईकेवाईसी आधार नंबर डाल के उसके बाद ओटीपी आप लोगों के नंबर पर जाता होगा, तो उस प्रकार से जो है आप लोग वहाँ पर आधार में जो नंबर जुड़ा होगा उसमें जो ओटीपी जाएगा उसको डाल के आप लोग जो लाभार्थी का ईकेवाईसी है उसको यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ा अब बदल चुका है, इसी प्रकार से जो है आप लोगों को टीएचआर वगैरह अब करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।